बादल बन जाइब, तू बारिश बन के आईहा। भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का गाना, दोनों का गाना एक ही दिन रिलीज हुआ, लेकिन टाइमिंग में काफ़ी अंतर था। तो चलिए हम पहले आपको बताते हैं कि किसके गाने ने कितनी जल्दी बाजी मारी है। वैसे आपको हम बता दें कि आपने अगर स्क्रीन पर देखा होगा तो 1 घंटे में 4.5 लाख व्यूज़ दोनों गानों के थे, लेकिन लाइक्स के मामले में पवन का जो गाना है वो बहुत ही आगे है खेसारी के गाने से। जी हाँ, खेसारी के गाने को जहाँ 70,000 लाइक मिले थे, वहीं पवन के गाने को 84,000 लाइक मिले थे। वैसे आपको बता दें कि खेसारी का जो गाना है उसने 4 घंटे में 1 मिलियन व्यूज़ क्रॉस किया है, लेकिन उल्टे इसके पवन के गाने ने 2 घंटे में 1 मिलियन क्रॉस किया है। जी हाँ, जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट खेसारी की तरफ से कर दी गई है कि 4 घंटे में उनका गाना जय जय शिवशंकर ने 1 मिलियन और बारिश वाले सॉन्ग ने 2 घंटे में 1 मिलियन क्रॉस किया है व्यूज़, लेकिन अभी इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। इस गाने की जल्द ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी जाएगी कि इस गाने ने 2 घंटे में 1 मिलियन व्यूज़ क्रॉस किया है। आपको बता दें कि इन दोनों गानों ने लोगों को दीवाना बना दिया है। लोग जानना चाहते हैं बेसब्री से कि किसके गाने ने सबसे ज़्यादा व्यूज़ हासिल किया है, तो उसके लिए आपको 24 घंटे का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि 24 घंटे बाद ही यूट्यूब व्यूज़ को पूरी तरह से रिफ्लेक्ट सही मायने में करता है। अगर आपको सही व्यूज़ चाहिए तो 1 दिन का इंतज़ार तो करना पड़ेगा और उसके बाद अनाउंस हो जाएगा कि शहंशाह कौन है भोजपुरी इंडस्ट्री का। वैसे आपको बता दें कि पवन के गाने अभी खेसारी के गाने से आगे चल रहे हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।